गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है मुझे, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में यदि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो, शुगर ज्यादा हो, तो क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे डायग्नोस होगा और बच्चे पर क्या इफेक्ट होगा। हमें सबसे पहले जब एक प्रेग्नेंट लेडी मेरे पास आती है तब मैं लेती हूँ उसकी फैमिली हिस्ट्री। सबसे इम्पोर्टेंट, यदि आपके दादा, नाना, चाचा, मामा, फादर, मदर, किसी को भी यदि डायबिटीज की हिस्ट्री है, चाहे उन्हें यंग एज में हुई या उन्हें ओल्डर एज में, तो आपको भी हाई शुगर होने के चांसेस रहते हैं, जिसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस इन प्रेगनेंसी। जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज मेलिटस। तो जिनको भी फर्स्ट हिस्ट्री है उनको थोड़ा चौकन्ना रहना है, अपनी शुगर बार बार करवानी है, अपने डॉक्टर को जरूर बताना है कि मुझे फैमिली हिस्ट्री है, ताकि डॉक्टर भी रेगुलरली ध्यान रखते हुए आपके जो भी शुगर लेवल के टेस्ट है वो करवाते रहेंगे, क्योंकि कुछ कुछ टेस्ट ऑप्शनल होते हैं, हम हर प्रेग्नेंट लेडी का नहीं कराते। हमें जिन्हें हाई रिस्क होता है, हमें लगता है कि इसकी फैमिली हिस्ट्री है, ये हाई रिस्क में आती है, तो ही हम उन्हें कराते हैं। इसलिए फैमिली हिस्ट्री बताना वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, यदि आप ओबीस है, आपका वेट आपकी नॉर्मल जो आपका वेट होना चाहिए उसकी तुलना में ज्यादा है, आपका बीएमआई हाई है, तो भी आपको शुगर हाई होने के चांस रहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई है, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, यदि आपका लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी नॉर्मल से ज्यादा रहता है, यदि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, तो ये सारे फेवर में जाते हैं कि आपको जीडीएम हो सकता है, तो आपको शुरू से ही अलर्ट रहना है। अगर आपने 30 इयर्स के बाद कंसीव किया है, आपकी एज 30 के ऊपर है, तो भी हाई रिस्क होता है कि अपनी शुगर बीपी बढ़ सकता है प्रेगनेंसी के अंदर। यदि आपने बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिया है, ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स लिए हैं, तो भी आपको शुगर बढ़ने के चांसेस है। तो ये हुई कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स जिसमें आपको सतर्क रहना है कि आपका शुगर कहीं प्रेगनेंसी में बढ़ ना जाए। वैसे तो हर प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अपनी एक्टिविटी पूरी रखिए, शुगर इनटेक नॉर्मल रखिए, बहुत ज्यादा क्रेविंग होने पे लड्डू प्रेगनेंसी में मत खाइए, घी का इनटेक भी नॉर्मल रखिए, ताकि हाई रिस्क के अलावा भी आपको प्रेगनेंसी में शुगर हाई होने के चांस रहते हैं, तो वो कंट्रोल में रहेगा। बहुत ज्यादा बेड रेस्ट आपको नहीं करना, प्रोलॉन्ग लेटे रहने की वजह से भी डाइजेशन कमजोर पड़ जाता है, मेटाबॉलिक रेट वीक हो जाती है, तो भी शुगर हाई होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको कुछ सिम्टम्स जैसे कि वेट गेन एबनॉर्मल हो रहा है, अगर आपका यूट्रस में लाइकर नॉर्मल से ज्यादा है, बीपी हाई जैसे मैंने बताया ये है, आपको हाथों पैरों में सूजन आ रही है, अगर आपको रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शन, खुजली, इचिंग, वाइट डिस्चार्ज रहता है, तो भी आपको अलर्ट रहना चाहिए अपनी शुगर के। अब आता है पता लगाने का काम। तो हम नॉर्मली जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल कराया जाता है। ये फास्टिंग शुगर आपका 100 के नीचे रहना चाहिए, आइडियल कंट्रोल हम माने तो 95 के नीचे बेस्ट है, फिर भी 100 तक भी अगर रहता है तो भी आप रूटीन डायटरी मॉडिफिकेशन वगैरह शुरू कर दीजिए। 105 के ऊपर यदि रहता है तो डेफिनेटली हम लोग आपकी सिंपल मेटफॉर्मिन की टैबलेट चालू करते हैं, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग एक एक सिंगल डोज दी जाती है, साथ साथ में आपका डायटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाता है। अगर आपका शुगर लेवल 100 के अराउंड है तो हम नॉर्मली 100 के नीचे टैबलेट चालू नहीं करते, पहले आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट चेंजेस बताते हैं। तो आपको अपना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कराना है, आपको अपना पीपी पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल कराना है, जो कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद नॉर्मली किया जाता है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद में नॉर्मली शुगर 140 मिलीग्राम से कम आती है, यदि 140-160 के रेंज में है तो सतर्क वाली लाइन आ गई, और अगर 160 के ऊपर है तो डेफिनेटली आपको फिर से ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा। टैबलेट आपको दी जाती है मेटफॉर्मिन, या आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन से कंसल्ट करके और भी टैबलेट्स चालू करवा सकते हैं। यदि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल
कंसिस्टेंटली हाई आता है, अगर पोस्ट प्रांड्रियल 180 टू 200 आता है, यदि फास्टिंग आपका 110 120 से भी ऊपर आता है, अनकंट्रोल्ड है, बहुत ज्यादा सिम्टम्स आपको आने लग गए हैं, तो कई बार इस अनकंट्रोल्ड स्थिति में आपका इंसुलिन चालू किया जाता है, जो आपका डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन चालू करता है। आपको एक एडिक्वेट डोज बताई जाती है, साथ साथ में आपको अपनी शुगर की चार्टिंग करनी होती है। तो ये एक बार अगर इंसुलिन चालू हो गया, क्योंकि इंसुलिन बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ होता है, इंसुलिन इज सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी, तो जो एक भ्रम होता है कि इंसुलिन बच्चे को खराब तो नहीं करेगा, एक बार चालू हो गया तो उम्र भर तो नहीं लेना पड़ेगा, इसे मैं तोड़ने आई हूँ। बच्चे के लिए इंसुलिन सेफ है, शुगर या एडिक्वेटली कंट्रोल करता है, बच्चे पर कोई साइड इफेक्ट नहीं लाता, साथ साथ में एक बार जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो इंसुलिन ऑटोमेटिकली स्टॉप करके हम लोग टैबलेट चालू कर देते हैं। इसके अलावा फास्टिंग शुगर पोस्ट प्रांडियल के अलावा थर्ड आजकल बहुत ज्यादा कराया जाता है HbA1c, मतलब 3 महीने के शुगर हम लोग देखते हैं कि आपको एक आइडिया लगता है हमें कि 3 महीने पहले भी क्या शुगर बढ़ी थी या इन 3 महीनों के अंदर HbA1c लेवल कितना है, तो हमें आइडिया लगता है कि शुगर कितनी एबनॉर्मल है। HbA1c का लेवल नॉर्मली 6 के नीचे है तो कुछ नहीं करना, 6 to 7 है इट इज अलार्मिंग, 7 के ऊपर अगर है तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज है। यूरिन में एल्ब्यूमिन और शुगर देखा जाता है कि कहीं यूरिन में तो शुगर नहीं आने लग गई, ये भी इंडिकेटर होता है हाई शुगर का। फिर आपका RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट भी कराए जाते हैं कि शुगर का कहीं इन पर भी इफेक्ट तो नहीं आने लग गया। इन टेस्ट के अलावा ये टेस्ट हर 3 महीने से कराए जाते हैं, या जब भी हमें लगता है कि शुगर हाई होने की संभावना है, आपको फिजिकली देखकर अगर हमें लगता है तो हम उन्हें पहले भी करा सकते हैं। फिर आता है OGTT टेस्ट, ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट या टॉलरेंस टेस्ट। OGCT या OGTT टेस्ट नॉर्मली 75 ग्राम ग्लूकोज टेस्ट होता है, मतलब पहले आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल लिया जाता है, फिर आपको 75 ग्राम ग्लूकॉन डी पानी में घोल के पिलाया जाता है, फिर हम आपका 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर पर शुगर लेवल्स देखते हैं। इसमें भी जो नॉर्मल वैल्यूज है उससे अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा आता है तो कंफर्मली आपको ओवर डायबिटिक या डायबिटीज की खतरे की घंटी है, तो आपको अपना ट्रीटमेंट टाइमली चालू कराना है। क्योंकि कई बार फास्टिंग एक इकलौता अगर अपन लेते हैं शुगर लेवल तो सही रीडिंग्स नहीं आती, तो OGTT टेस्ट या OGCT टेस्ट हमेशा हम कराते हैं नॉर्मली 30-32 वीक्स पे, लेकिन यदि आप हाई रिस्क में आते हैं तो हम उसे जल्दी 24-26 वीक्स पर भी करा सकते हैं, ताकि हमें एग्जैक्टली जब भी आपकी शुगर एबनॉर्मल हो पता चल जाए। क्यों पता चलनी जरूरी है? अगर शुगर एबनॉर्मल होगी, हाई रिस्क एबॉर्शंस का, बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज होने का, बच्चे में कार्डियक डिफेक्ट होने का, इसके अलावा जो पानी है बच्चे के चारों तरफ का लाइकर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हमें शुगर होती है, बच्चे का जो वजन होता है पेट में वो भी नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम मैक्रोसोमिया कहते हैं, तो बच्चे की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा जब पानी ज्यादा होता है पेट में बच्चे के चारों तरफ, तो हमें प्रीटर्म पेन होने के भी चांस हो जाते हैं, हमें रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, बच्चे के लंग्स का भी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता अगर हमारी शुगर ज्यादा, तो ये सब चीजें हमारे बच्चे को खतरे में लाती हैं, इसीलिए शुगर नॉर्मल होना जरूरी है। मूवमेंट भी आप ध्यान रखिए, कई बार बच्चे को बहुत ज्यादा पेट में दिक्कत हो तो हम सडन IUDs, मतलब बच्चा पेट में अपनी धड़कन भी छोड़ सकता है यदि शुगर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हो जाती है, तो इसलिए बच्चे के मूवमेंट का भी रेगुलरली आपको ध्यान रखना है, 10 से 12 मूवमेंट डेफिनेटली आपके होने ही चाहिए 24 घंटे के अंदर।